Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to discuss Archimedean property of real numbers. Real numbers के ऊपर ये property क्या होती है, कैसे हम इसका significance देखेंगे कि कहाँ पे ये use होती है. जैसे हमने किसी set का supremum निकालना हो, infimum निकालना हो, तो कैसे ये use होती है, ठीक है. और क्यों यहाँ पे दो positive real number लिए हैं, क्यों यहाँ पे इसको बोला कि nx is greater than y if x and y are two positive real numbers, ठीक है. किसी किसी बुक में या कहीं पे आपको कंडीशन मिलती है कि आप x greater than 0 लेके चलते हो बस, ठीक है. वहां पे ये प्रॉपर्टी होती है कि इफ x is greater than 0 एंड x एंड y आर टू रियल नंबर्स, ओके, तो वो बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू n, एटलीस्ट n will 1 n belongs to n such that nx is greater than y, ओके. तो अब हम क्या लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास x greater than 0 है. क्यों ये प्रॉपर्टी के लिए दोनों रियल लेके चल रहा है, पॉजिटिव लेके चल रहा है. x greater than 0 है, अगर हम y को क्या ले लें, कंडीशन ना डालें y के ऊपर, y क्या ले लें, लेस देन इक्वल, और क्या ले लें, या फिर हम ले लें y इक्वल टू 0 या फिर हम क्या ले लें y greater than 0, ठीक है. अब आपने क्या लिया, x greater than 0 का केस लिया, ठीक है. x greater than 0 होगा तो हम x को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, है ना, 1, 2, 3 आप कुछ भी ले सकते हो. y को आपने क्या लिया, y लेना है आपने less than 0 अगर होगा तो क्या होगा. किसी भी केस में ये n क्या है, ये n natural number है. n अगर natural number है तो least natural number कौन सा होता है, 1 होता है ना. हम इसलिए least ले रहे हैं कि चाहे आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी लो, हमेशा 1 इंटू x कुछ भी हो ग्रेटर देन 0 है, ये भी हमने क्या ले लिया 1, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, कोई भी आप y लेस देन 0 है, कोई भी आप नेगेटिव नंबर ले लो, -5 -6 या फिर क्या ले लो -1, किसी से भी ले लो, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा अगर आप y लेस देन 0 लेते हो. इसीलिए हमने यहां छोड़ते हुए अगर हम x को पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ भी ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और y क्या है, 0 है, वही केस हो गया. तो n कुछ भी लिया, n x हमेशा क्या होगा, 1 कुछ भी ले रहे हो, n x हमेशा पॉजिटिव नंबर 0 से भी बड़ा ही होता है. मतलब कि कोई भी यहां पॉजिटिव n x जो होगा हमेशा पॉजिटिव टाइप का नंबर होगा, होगा ना. n x पॉजिटिव टाइप का नंबर क्यों है, इसीलिए है क्योंकि आपने x को क्या लिया, ग्रेटर देन 0 लिया. अगर x greater than 0 है और natural numbers भी greater than 0 होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, nx हमेशा एक positive number बनेगा, और positive number हमेशा negative number से और 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है. चाहे यहाँ पे क्या हो, y negative हो या फिर y क्या हो, या तो y negative हो या फिर y क्या हो, 0 हो, हमेशा nx जो होगा वो y से बड़ा होगा. तो इसीलिए जो आर्किमिडियन ने अपनी प्रॉपर्टी दी, इसका प्रूफ दिया, इसके ऊपर क्या दिया, सिर्फ इसको लेते हुए कि x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में nx, तब भी उसने बोला कि इस केस में भी nx y से हमेशा बड़ा होगा. तो यहां पे भी y जब ग्रेटर देन 0 है तो हम दो केस ले सकते हैं. क्या केस ले सकते हैं, कि x या तो y से छोटा होगा या x जो होगा वो y से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है. अब दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, या तो x y से छोटा या फिर x y से बड़ा. अगर x y से छोटा है तो उस केस में देखिए n x क्या y से बड़ा होगा. देखिए हम x को क्या चूज कर लेते हैं, n को आपने 1 चूज कर लिया, x क्या है y से छोटा है, सपोज कीजिए x को ले लिया 1, y को ले लिया 2, ओके, x को 1 लिया और y को 2 लिया, क्या ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है इससे, नहीं है, क्योंकि ये 1 2 से बड़ा नहीं होता. तो इस केस में हम n को क्या चूज कर सकते हैं, हम n को टेक n इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वी कैन टेक एनी n, हमने क्या चूज कर लिया, n को हमने 3 चूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, n x y से बड़ा हो जाएगा, n x इज ग्रेटर देन y, 3 इज ग्रेटर देन 2, ओके. तो एक तो ये केस बना कि इसमें कभी कभी ये क्या लिया था हमने, n छोटा लिया था तो n x y से छोटा हो गया था, है ना, इसीलिए इसने ये प्रॉपर्टी दी, ओके. इसके बाद क्या है, अगर x y से बड़ा ही है, x को क्या ले लें, 2 ले लें, y को 1 ले लेते हैं आपकी बार, तो n को कुछ भी ले लीजिए,
वन ले लिया सपोज कीजिए एक्स टू, तो इस केस में भी हमेशा क्या होगा ये एन एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। तो यहाँ तो हमेशा हमें पॉजिटिव एन एक्स जो है बड़ा मिल ही रहा है वाई से, बट जो ये केस आता है इसके लिए आर्किमिडियन ने स्पेशली एक ये प्रॉपर्टी बनाई कि अगर एक्स और वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तब भी एन एक्स जो होता है वो वाई से बड़ा होता है। ठीक है, नेगेटिव और जीरो में तो होता ही होता है, और अगर वाई भी पॉजिटिव हो तब भी एन एक्स हमेशा वाई से क्या होता है बड़ा होता है। तो अब देखिए उसका प्रूफ कैसे करना है हमें। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। एक्चुअल में ये रियल एनालिसिस का हमारा 15th लेक्चर है जो हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फिमम, इंटीरियर पॉइंट सब कुछ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सुप्रीमम किसी सेट का कैसे हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। इसके प्रूफ को हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड क्या होता है कि आपको प्रूफ ये करना है कि एन एक्स जो है वो वाई से क्या है बड़ा है। ओके, बट हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट जो एन एक्स है वो लेस देन इक्वल टू वाई है। फिर हम लास्ट में ये दिखा देंगे कि इस ये सपोज करके तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है और एक्चुअल में क्या है ये राइट है। ठीक है, तो देखिए कैसे सपोज करते हैं। लेट अस सपोज दैट फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई क्या कर रहे हैं आर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं एंड एन बिलोंग्स टू एन, एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। हमें एक्चुअल में प्रूफ ये करना है कि एन एक्स वाई से बड़ा है, बट हमने सपोज क्या किया एन एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू वाई है। एनी डाउट कोई? ठीक है, हमने सिर्फ ये सपोज कर लिया कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ अब एन एक्स अगर वाई से क्या है छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम इस टाइप को एक सेट बना लेते हैं इस टाइप के एलिमेंट्स का, लेट कर लेते हैं। लेट एस एक सेट है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। किस टाइप के? एन एक्स, जिसमें एन किस से बिलोंग कर रहा है एन से, और एक्स किस से बिलोंग कर रहा है आर से। इस टाइप के एलिमेंट्स को हमने एक सेट बना दिया। क्यों बना दिया? इसलिए बना दिया क्योंकि जो ये एन एक्स है ये वाई से छोटे हैं। अगर ये वाई से छोटे हैं इसका मतलब ये क्या हुआ, इनका अपर बाउंड हुआ। इसका मतलब इस सेट के पास, ये सेट एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके पास एक अपर बाउंड है, तो जो हमारी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और अगर उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस, व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, है ना। क्या है ये प्रॉपर्टी? देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या होती है आप लिख भी सकते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट दैट इज बाउंडेड अबव हैज अ सुप्रीमम। ये नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव बाय वाई है क्योंकि सारे एलिमेंट्स वाई से छोटे हैं, बाउंडेड अबव बाय वाई है, देयरफॉर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। एस हैज अ सुप्रीमम, एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। लेट क्या लेट कर ले, सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू यू। हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने कॉन्ट्रडिक्शन में सपोज किया, इसको हमने सेट बोल दिया और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लगा दी। अब अगर सुप्रीमम एस का यू है तो अगर आप सुप्रीमम को थोड़ा सा रिवाइज करो तो सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम किसी भी सेट का क्या होता है, यू इज सेट टू बी सुप्रीमम इफ फर्स्ट कंडीशन होती है कि यू इज अपर बाउंड। एक तो वो क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड मतलब कि सेट के सारे एलिमेंट यू से छोटे होने चाहिए, फॉर एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, सेकंड वो ये कहती है कि अगर यू सुप्रीमम है किसी भी सेट का तो देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंग्स टू एस सच दैट, अगर यू सुप्रीमम है इसका मतलब यू में से
for all epsilon greater than 0, there exist x1 is greater than u minus epsilon. ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर u किसी सेट का सुप्रीमम है तो सारे एलिमेंट्स एक तो उससे छोटे होंगे. सेकंड थिंग कि अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम u से माइनस कर दे तो अब ये सुप्री अपर बाउंड नहीं रहेगा. जैसे ही एप्सिलॉन माइनस किया एक हमें कोई एक एलिमेंट सेट में ऐसा मिल जाएगा जो इससे बड़ा होगा. इसका मतलब u में से u जो है वो सबसे छोटा अपर बाउंड है. u में से जरा सा भी कुछ हमने माइनस किया तो वो अपर बाउंड नहीं रहा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है सुप्रीमम, है ना. अब इस सेट का सुप्रीमम क्या है, u है. लेट सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, u ले लिया. अगर सुप्रीमम ऑफ s इक्वल टू u है इसका मतलब क्या होगा, n x इज लेस देन इक्वल टू u. ओके, नाउ आगे कंटिन्यू. नाउ यहाँ पे थे हम कि सुप्रीमम जो है वो हमने क्या ले लिया, लेट सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू u. ओके, तो n x इज लेस देन इक्वल टू u क्योंकि u अपर बाउंड तो होगा. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. अब अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n प्लस वन भी एक नेचुरल नंबर ही होता है ना. ये प्रॉपर्टी है, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n है तो ये चीज n प्लस वन के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी. ओके, दिस इंप्लाइज n x प्लस x इज लेस देन इक्वल टू u, यही हो जाएगा. This implies n x is less than equal to u minus x. ठीक है, this implies इसका मतलब क्या हुआ, u minus x is an upper bound of s. क्योंकि s के members कैसे थे, n x type के, और n x किससे छोटा है, u minus x से. तो इसका मतलब u माइनस एक्स अपर बाउंड हो गया. बट मैंने आपको बताया था कि सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर u सुप्रीमम है तो u माइनस में से कुछ भी हम माइनस कर दें तो वो अपर बाउंड नहीं रहता. कोई एक नंबर एग्जिस्ट कर जाता है जो इससे क्या होता है, बड़ा होता है. बट अपर बाउंड तो सेट के सारे मेंबर छोटे होते हैं. तो विच इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन, क्या बोल देंगे, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है hence n x क्या हो जाएगा, y से बड़ा हो जाएगा. क्योंकि जो हमने सपोज किया था n x इज लेस देन इक्वल टू y उससे हमें क्या मिल गई, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई. विच इज इसका मतलब हमारा, दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence n x इज ग्रेटर देन y, n नेक्स्ट होगा वो y से बड़ा होगा. तो आई होप आपको ये क्लियर होगी है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है. अब हम इसकी एक दो फॉर्म्स लिखेंगे जो आपको आगे थ्योरम्स प्रूफ करने में या फिर कुछ एग्जांपल्स प्रूफ करने में बहुत हेल्प करती हैं. तो लेट्स सी कि वो आपकी फॉर्म्स, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की फॉर्म्स क्या है. सो ये आपकी दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो अभी हम जब एग्जांपल्स प्रूफ करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे सुप्रीमम ऑफ 011 होता है, कैसे इन्फीमम ऑफ 010 होता है, है ना, कैसे इन्फीमम ऑफ 1/n जो होता है वो 0 होता है. ठीक है, ऐसे ही अगर इस टाइप के कोई और सेट हो, सुप्रीमम ऑफ n अपॉन n प्लस 1 निकालना है या फिर इन्फीमम निकालना है तो कैसे ये निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, कितना इजी हो जाता है इनको सॉल्व करना. ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो अब देखिए ये दो फॉर्म्स क्या हैं, ये कॉर्नरीज क्या हैं इसकी, कि अगर कोई y ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू n, ऐसा होगा कि कोई भी हम एक ले ले, n x इज ग्रेटर देन y होता है तो अगर आपने n को 1 चूज कर लिया तो x जो होता है वो y से क्या होता है, बड़ा होता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये हम यूज कर सकते हैं जहां पे हमें कहीं पे नीड हो इसकी. ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली है ये कॉर्नरी. इसमें क्या है कि अगर आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हो देन n बिलोंग्स टू n है तो आपका n x ग्रेटर देन y होता है. ठीक है, इसकी जगह पे आपने क्या ले लिया, एप्सिलॉन की जगह आपने क्या ले लिया, x की जगह एप्सिलॉन, n x इज ग्रेटर देन y.
तो हमने क्या चूज कर लिया, वाई को वन लेके एन एप्सिलॉन जो होता है वो वन से बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन में क्या है, ग्रेटर देन जीरो एक नंबर है। तो इसका मतलब इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, एन इज ग्रेटर देन वन बाय एप्सिलॉन और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन वन बाय एन। तो जहां जिस क्वेश्चन में हमें जिस टाइप से नीड होगी हम इसको एज इट इज यूज करेंगे, क्योंकि ये एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की कॉलरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूव करने वाले हैं कि कैसे सुप्रीमम जो होता है वो जीरो वन का वन होता है। वो हमें पता है कि सुप्रीमम जीरो वन का वन है, बट कैसे विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।